चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ शादी सीरीज का डे टू लुक यानी मेहंदी लुक। हल्दी लुक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो आप देख सकते हो ये मेहंदी लुक मैंने क्रिएट किया है सिर्फ एक आई शेडो पैलेट को यूज़ करके, और स्पेशली ये ब्राइड्स के लिए तो बिल्कुल मस्ट हैव लुक है। आप वेडिंग गेस्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने स्किन को प्रेप किया है। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको प्रेप करना ज़रूरी है। तो मैंने बायला स्किन का यहाँ पे सीरम यूज़ किया था। अभी मैं डॉट एन की का ये फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये भी अच्छी है लेकिन ड्राई स्किन के लिए अच्छी है। स्किन को प्रेप करने के बाद आपको प्राइमर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ 100 रुपीज़ की है, बिल्कुल बेस्ट प्राइमर है। ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप ऑयली स्किन के हो ना आप ज़रूर ट्राई करना। आज मैं यहाँ पे ये हाई कवरेज स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पे कि आप इसका बताओ कवरेज कैसा है, क्योंकि ये हाई कवरेज की है, ये ऐसा क्लेम करती है। सच्ची सच्ची बताऊँ तो ये फाउंडेशन उतनी भी मुझे अच्छी नहीं लगी है, ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, इसके साथ अगर आप कोई ड्राई फाउंडेशन मिक्स करके यूज़ करोगे तब ये अच्छा वर्क करेगी फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है स्विस ब्यूटी का, मेरा फेवरेट। ये कंसीलर बिल्कुल फुल कवरेज की है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने अपने हाइलाइटेड एरियाज़ में जहाँ पे कंसीलर लगाना होता है वहाँ पे लगा लिया है। फिर मैंने यहाँ पे पाउडर से सेट किया है अपने फेस को, और उसके बाद यहाँ पे स्विस का सेटिंग स्प्रे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये अच्छी है बट उतनी अच्छी नहीं है, मुझे मार्स की ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे फेस मेकअप किया है, ब्लश लगाया है स्विस ब्यूटी के ब्लश और पैलेट से। सबसे पहले ब्लश लगा रही हूँ। इफ़ यू आर ब्राइड तो थोड़ा सा ब्लश ओवर भी लगा सकते हो, इट्स ओके। और उसके बाद हाइलाइटर लगाया है मैंने। इस पैलेट का हाइलाइटर बिल्कुल बॉम्ब है, बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पे आई लुक की बारी आती है। आई लुक बहुत सिंपल सा है, कोई भी इसे कर सकता है। आई लुक के लिए मैंने SFR का पैलेट यूज़ किया है, जस्ट माई लक। इसमें ग्रीन कलर के वेरियंट्स आते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट ग्रीन कलर लगाया है अपने पूरे आईलिड पे और क्रीज पे और ब्लेंड किया है। उसके ऊपर यहाँ पे मैं एक पैरेट कलर लगा रही हूँ पूरे अपने आईलिड पे। तो ये जो कलर है ना बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा कलर है। तो आप ऐसा कुछ अगर ट्राई करना चाहते हो अपने मेहंदी के डे पे तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे दो डार्क ग्रीन शेड मैंने मिक्स कर आईलैशेस के बिल्कुल क्लोज लगाया है, और थोड़ा सा मैं इसे बहुत बिल्कुल बोल्ड करना चाहती थी, मतलब जैसे विंग होता है बिल्कुल विंग की तरह से करना चाहती थी। और बिल्कुल मैंने अच्छा से ब्लेंड किया ताकि बहुत ज़्यादा स्मज्ड लुक लगे। उसके ऊपर मैंने आईलाइनर लगाया है, और आईलाइनर मैंने बिल्कुल विंग आईलाइनर लगाया है, तो ये स्मज्ड लुक भी लग रही थी, साथ ही साथ शार्प लुक भी आया था इसका। आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर लगा लीजिएगा। तो मस्कारा यहाँ पे मैंने लैक्मे का यूज़ किया, आइकॉनिक। अभी यहाँ पे दो डार्क ब्राउन और एक गोल्डन शेड लेके मैंने अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज लगाया है, और फिर मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर को अपने हाईलाइट किया है। ये स्विस ब्यूटी के लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ब्लिंगी सा इफेक्ट देते हैं। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन की मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, हाइपर स्टे। ब्राउन शेड है, जिंजर शेड, बहुत ही प्यारा सा। उसके ऊपर मैं टॉप करूँगी स्विस ब्यूटी का ये लिप क्रेयॉन, जो कि बिल्कुल बेस्ट कलर था, कॉम्बिनेशन बहुत ही दोनों का अच्छा है। सो दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मेन शादी सीरीज की लुक 3 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा।